How do we find out more about the historic experiences of women in engineering and science from around the world? These stories might be closer to home than we think. In the next phase of the Electrifying Women project, we are searching for personal stories of women who have studied and worked in engineering and science from as many different countries as possible. These are stories that anyone can find and record. In this interview, PhD student Sarah Qidwai talks to her grandma, Kamni Siddiqui, about studying chemistry in Pakistan and her subsequent work as a chemistry teacher. Kamni Siddiqui was born in India in 1941. After partition in 1947, the family moved to the newly formed Pakistan in around 1950. Once in Pakistan, Kamni Siddiqui excelled in science subjects before settling on chemistry. Grade 7, grade 8, grade 9 mein general science hua karte the aur ye compulsory thi. Tareekh aur geography ye mazmoon bhi hua karte the. Mere hamesha imtihan mein 85, 95 number science में आया करते थे और जबकि मैं private tuition भी पढ़ाया करती थी क्योंकि जो माशरती हालात थे जो financial हालात थे उस पर बड़ों पर बोझ नहीं डाला जा सकता था तो और इसलिए हम थोड़ा बहुत उनके साथ share करते थे और हम private tuition पढ़ाया करते थे और हम फिर सबसे बड़ी खुशकिस्मती मेरी ये थी कि हमें टीचर्स बहुत अच्छी और मेहनती और दयानतदार मिली थी मोहब्बत से पढ़ाती थी और हमेशा उनकी ये नसीहत थी कि तुम्हारे नंबर बहुत ज़्यादा आते हैं साइंस में अगर तुम आइंदा तालीम हासिल करना तो ज़रूर साइंस सब्जेक्ट ले आते थे ये वजह थी कि मैंने केमिस्ट्री में का सब्जेक्ट अपने लिए मुंतखब किया बायोलॉजी में फिज़िक्स में नंबर आते थे 70, 75 एक्सेट्रा बट केमिस्ट्री में हमेशा हाईएस्ट मार्क्स आते थे उस वक्त काफ़ी औरतें स्कूल नहीं जाती थीं जो आपने डिग्री लिया तो आप थीं और आप कहती तीन चार और आपके दोस्त हैं आपके साथ तो कैसा था औरत होते हुए उस वक्त पढ़ते हुए अब जिस वक्त मैं एक बात तुम्हें बताऊं जिस वक्त मैं उसमें थी एमएससी फाइनल में तो मेरे साथ 200 बॉयज थे लेकिन लड़कियाँ सिर्फ 6 थीं दो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यानी मैं और एक मेरी दोस्त थी दो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और दो फिजिकल केमिस्ट्री में ये 6 लड़कियाँ थीं और 200 बॉयज हुआ करते थे लेकिन यूनिवर्सिटी का माहौल बहुत हेल्दी माहौल था हमारे जो प्रोफेसर थे सब पीएचडी थे कोई अमेरिका से कोई लंदन से कोई कहाँ से और सब ये यंग थे कोई 27 साल के 27 इयर्स के प्रोफेसर कोई 30 इयर्स के प्रोफेसर तो प्रोफेसर भी बिल्कुल बहुत दोस्ताना अंदाज में पढ़ाते थे और जो बॉयज थे वो हमें ऐसा समझते थे जैसे वो हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं हमारे भाई हों बड़ा हेल्दी माहौल था और हम बिल्कुल ये नहीं महसूस करते थे पर्दे में भी कुछ लड़कियां बुरके में रहती थी हम ये नहीं महसूस करते थे कि कोई हम पर कुछ ऐसे उल्टे सीधे जुमले कहेगा या मजाक उड़ाएगा या हम जो है बगैर महफूज हैं हमें ऐसा लगता था जैसे अब हम एक खानदान के हम अफराद हैं पार्टीशन के बाद हम लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए था खड़ा होना था और हम जो थे वो फाइनेंशियली बहुत अनस्टेबल थे तो इसलिए घर संभालना ससुराल संभालना शौहर संभालना रिश्तेदारों को संभालना ये सारी जिम्मेदारियां औरत के ऊपर होती थी और फिर साथ साथ प्रोफेशन ये था कि डिग्री क्लास को पढ़ाना था जिसके लिए होमवर्क भी करना पड़ता था और फिर जब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ तो एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हुआ था मैं डिपार्टमेंट की हेड थी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की और वहाँ पर तकरीबन 10 उस वक्त 10 टीचर्स थी हमारे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट डिग्री कॉलेज बहुत बड़ा गवर्नमेंट कॉलेज है ये तो 10 टीचर्स थी और नॉन टीचिंग स्टाफ जो था वो तकरीबन 6 था इसलिए 16 हमारे अंडर में काम करते थे उनको संभालना उनका ख्याल रखना उनके हुकूक पूरे करना सब साथ साथ था तो इसलिए पीएचडी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था हाँ शौक था और ये शौक मैंने अपने स्टूडेंट में ट्रांसफर किया था जो आज वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में मेरी एक स्टूडेंट है उसने वहाँ 20 साल काम किया रिसर्च की पीएचडी की और उसी वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर उसका अपॉइंटमेंट हुआ मेरी 2 स्टूडेंट लंदन में रिसर्च कर रही है मेरी 1 स्टूडेंट जो है वो कैनेडा में है ये सब जो है इनमें मैंने ये अपना शौक ट्रांसफर किया और फिर अपने जब कैनेडा आई तो यहाँ अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उनमें ये शौक पैदा किया कि भाई रिसर्च करो आगे इसका काम करो और साइंस को पकड़ो और टेक्नोलॉजी में काम करो तो इन सब बच्चों में साइंस का जो है वो जेनेटिक तौर पे शौक आया है और पीएचडी करने का सब तो मैं खुद नहीं कर सकी लेकिन ये मैंने अपना शौक ट्रांसफर कर दिया मैं सेटिस्फाइड हूँ